पीजीआई के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन और स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ द्वारा तैयार फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग अ गेम चेंजर फॉर हेल्दी इंडिया नामक एक डॉक्यूमेंट्री को आज चंडीगढ़ प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान जारी किया गया। इसके विषय में जानकारी देते हुए डॉक्टर सोनू गोयल ने बताया कि ये डॉक्यूमेंट्री पंजाब सरकार और स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च के सहयोग से संस्थान द्वारा चलाई जा रही एक परियोजना का हिस्सा है। मिशन तंदुरुस्त पंजाब के अंतर्गत पंजाब सरकार की ओर से माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ओपीसी सोनी और हमारे स्वास्थ्य विभाग और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर श्री कुमार राहुल जी के दिशा निर्देशों के तहत हमने जो लोगों की सेहत के प्रति जागरूक करने के लिए आज एक स्पेशल मुहिम चलाई है, एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की है। हमने पंजाब सरकार ने पीजीआई के साथ एमओयू किया है ट्रांसफैट्स के ऊपर, ताकि लोगों की जो स्वास्थ्य संबंधी लोगों को पता चल सके, उनको अवेयर किया जा सके। इसके अंतर्गत हमने 3 फेजेस में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। पहला फेज़ हमने जो हमारे सभी ऑफिसर्स हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के डेजिग्नेट ऑफिसर, असिस्टेंट फूड कमिश्नर, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स, उनको हमने ट्रेनिंग दे दी है ट्रांसफैट्स के ऊपर कि कैसे कैसे इन्होंने सर्वेलेंस सैम्पलिंग करनी है, कैसे कैसे किस प्रोडक्ट को आपने जो सैम्पलिंग के लिए जो आप आइडेंटिफाई करना है और उसको लैब में भेजना है, और हमारी लैब भी इसके लिए फुली इक्विप्ड हो चुकी है। सेकंड फेज़ में हम नेक्स्ट मंथ में हम सैम्पलिंग शुरू कर रहे हैं ट्रांसफैट्स के जो प्रोडक्ट्स हों, जैसे बेकरी आइटम्स हैं, फ्राइड फूड्स हैं, जो फास्ट फूड हैं, जितने भी पैकेज्ड फूड हैं जिसमें हमें लगता है कि इसमें ट्रांसफैट की मात्रा ज़्यादा है, जो लोगों के स्वास्थ्य में बहुत ही गलत है, जिससे हमारी बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ती है और जो जो हमारी गुड कोलेस्ट्रॉल है वो डाउन हो जाती है। वो सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर हमने अभी सर्वे करने के लिए सैम्पलिंग करेंगे सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, सभी आइटम्स के वो सैम्पल्स उठाकर हम टेस्टिंग के लिए लैब में भेजेंगे, और उसके बाद जितना भी डाटा हमारे पास बनेगा जैसे सेकंड फेज में, वो उसको हमने वो डाटा बेस बना के उसके बाद एनालिसिस करेंगे कि किस किस प्रोडक्ट में क्या क्या प्लान पैस, फिर उसके बाद हम स्टेट फोर्सेज का तीसरे फेज में मीटिंग्स करेंगे, तो ताकि पता चल पाए कि उनको भी अवेयर कर लें कि किस प्रोजेक्ट को कैसे इसको फाइनल टच देना है और किस किस आइटम को हमने डिस्कस करना है लोगों को खाने के लिए और किस चीज़ को हमने सही बताना है कि ये बात सही। तीसरा फेज़ कंप्लीट होने के बाद हम सारा वो जो फाइनल टच हो गई वो FSSAI के साथ भी हम शेयर करेंगे सारा डाटा, तो उसके लोगों के लिए अवेयर के लिए हम सारा डाटा रिलीज़ करेंगे ताकि लोग जागरूक हो जाएं कि क्या खाने के लिए अच्छी चीज़ है, क्या नहीं है, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, ताकि हम अपनी बीमारियों को जो बढ़ावा मिल रहा है गलत चीज़ें खाने से वो हम कम कर पाए, क्योंकि गलत चीज़ें खाने से हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जैसे हमारा BP बढ़ रहा है लोगों का, वो हार्ट की बीमारियाँ बढ़ रही हैं, इन सबको रोकने के लिए ये हमारे स्वास्थ्य विभाग का ये एफर्ट है इस प्रोजेक्ट के। मेरा नाम डॉक्टर सोनू गोयल है, मैं डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन और स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ PGI में, और आज की जो कार्यशाला है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आम जनता को हम जागरूक करें एक जो FOPL है, फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग की, लेबल वो क्या खा रहे हैं, उसके अंदर कोई जो फूड खा रहे हैं उसके अंदर क्या चीज़ खा रहे हैं, क्या न्यूट्रिएंट्स हैं और क्या ख़राब खाना है, क्या अच्छा खाना है, उसके बारे में जागरूक करें। तो इसके लिए हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है PGI ने, उस डॉक्यूमेंट्री में यही दर्शाया गया है कि क्या खाना जो है वो खाना चाहिए और क्या खाने को अवॉइड करना चाहिए। अब इसमें 2-3 तरह की चीज़ें हैं जो हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि एक तो है ट्रांसफैट जो होते हैं, ट्रांसफैट क्या होते हैं, ट्रांसफैट जो हैं बार बार अगर हम तेल को उबाल रहे हैं और उसके अंदर कोई सामान बना रहे हैं तो उसके अंदर ट्रांसफैट की मात्रा बढ़ जाती है और गंदा फैट होता है, उसके कारण जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे शरीर में इकट्ठा होता रहता है, तो वो हम ना इकट्ठा होने दें। दूसरी बात है कि फिज़िकल एक्टिविटी, हम अपने ऊपर ध्यान दें, पूरे दिन हम काम करते हैं और शाम को आके भी हम सीधा आके सो जाते हैं, लेट जाते हैं, तो अपनी फिज़िकल एक्टिविटी 30 से 40 मिनट हम बोलते हैं, 30 से 40 मिनट ब्रिस्क वॉक करें, तेज़ वॉक। अब कई लोग बोलते हैं कि घर के अंदर ही हमारी वॉक हो जाती है, हम काम करते हैं ऑफिस के अंदर, पर वो वॉक को हम इतना अच्छा नहीं मानते, हम बोलते हैं कि 30 से 40 मिनट वॉक करें। और तीसरा बात यह है कि जो भी हम अपने योगा का बहुत महत्व है, तो दिन में सुबह को खासकर अगर हम शुरुआत अगर 20 से 25 मिनट से योगा से करें और उससे हमारा दिन बहुत अच्छा होगा। 3 चीज़ का ध्यान रखेंगे, खाना ऐसा खाएं जिसमें न्यूट्रिएंट्स हों, योगा करें और फिज़िकल एक्टिविटी करें। सर, ये जो आप इनकी बात कर रहे हो प्रोडक्ट्स की, किस तरह से लेबलिंग, तो चलो आई थिंक मतलब सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, आप इसको किस तरह से रोकोगे, क्योंकि ये तो सरकार को चाहिए कि या तो इस तरह की चीज़ें मार्केट में आने ही ना पाए।
देखिए सबसे बड़ी बात है, अगर कोई चीज़ नहीं आएगी तो कहीं और से आ जाएगी। ये हमने देखा है बहुत सारी चीज़ों में कि अगर हमने अल्कोहल बैन किया था तो वो कहीं और स्टेट से आ गया था। तो कहने का मकसद ये है कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अब लेबल जो लोग हैं, हमने एक सर्वे किया था और उस सर्वे में ये पाया गया था कि लोग ये जानने को उत्सुक हैं और वो देखना चाहते हैं लेबल को, और लेबल देखकर पढ़कर वो ख़रीदना चाहते हैं, पर उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या लिखा हुआ है लेबल के ऊपर। तो आसान भाषा में, बहुत ही आसान भाषा में, चिन्हों से, कलर से, ऐसी कई कंट्रीज़ की एग्जाम्पल हैं, चिली की, उरुग्वे और बहुत सारे कंट्रीज़ के एग्जाम्पल्स हैं जिनसे हम सबक ले सकते हैं और अपनी बहुत अच्छी पॉलिसी बना सकते हैं। जो आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई है वो किस तरह से लोगों को इफ़ेक्ट करने का आपको लगता है, उम्मीद है कि करेगी इफ़ेक्ट? देखिए, डॉक्यूमेंट्री का पर्पज़ यही है, उसमें हमें ये दिखाया गया है कि किस तरह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, गैर संचारी रोग बढ़ रहे हैं, स्ट्रोक बढ़ रहा है, हार्ट अटैक बढ़ रहा है और बड़ी जल्दी उम्र के अंदर बढ़ रहा है, और उसके मुख्य कारण है कि हम जो भी चीज़ हमें दिखती है वो हम खा लेते हैं बाज़ार के अंदर। तो कम से कम उस डॉक्यूमेंट्री से ये पता चलेगा कि क्या चीज़ खानी चाहिए और क्या चीज़ बाज़ार में हम अवॉइड करें। हम ये नहीं बोलते कि बिल्कुल ही कोई चीज़ ना खाएं, पर ऐसी है कि कम से कम आप वो चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं और कम खा सकते हैं। आपको क्या लगता है कि लोग ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं इन चीज़ों की तरफ? देखिए, ज़्यादा अट्रैक्ट इसलिए हो रहे हैं कि एक कल्चर बन गया है हमारे, उसके अंदर फास्ट फूड है कि एकदम आसान भाषा के, आसानी से मिल जाता है, हर नुक्कड़ के अंदर मिल जाता है, बहुत ही सस्ता है। तो ये 3-4 कारण हैं जिसके कारण वो लोग जो हैं अट्रैक्ट हो रहे हैं इस तरह की चीज़ों के लिए। कुछ इसको रोकने के लिए या कम करने के लिए कुछ एक्शन वगैरह भी आप ले रहे हैं, लेने का सोच रहे हैं? 2-3 तरह की चीज़ें हैं, एक्शन भी ज़रूरी है, और उसके लिए हमने एक पंजाब सरकार के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU किया है, और उसके अंदर हमें फूड प्रोडक्ट की सैम्पलिंग होगी, डिफरेंट तरह के फूड प्रोडक्ट दिवाली के अंदर या गैर दिवाली में भी जो भी चीज़ें मिलती हैं बाज़ार के अंदर उसकी सैंपल होगी, और अगर सैंपल्स फेल पाए गए तो उसके अंतर्गत कड़ी जुर्माना या उसके प्रावधान हैं वो भी हुआ जाएगा। ये हमारा नवंबर दिसंबर से ये चीज़ शुरू हो जाएगी। तो ये सैम्पलिंग है किस बेसिस पे करोगे, कि मतलब कितना टाइम के बाद किया करोगे? ये सैम्पल हर महीने होगा, हर जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनको एक टारगेट दे दिया जाएगा। जो फूड उनकी हमने ट्रेनिंग कर चुके हैं, जो जितने भी फूड इंस्पेक्टर हैं उनकी ट्रेनिंग हो गई है, फर्स्ट फेज़ प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो गया है, सेकेंड फेज़ में हमें सर्वेलेंस सैम्पलिंग करनी है, वो हम 2 महीने करेंगे और उसके बाद रेगुलरली करते रहेंगे ये सैम्पलिंग, और उसके बेसिस पे जो प्रोडक्ट हमें लगेंगे कि इन प्रोडक्ट के अंदर फैट्स बहुत ज़्यादा है, सर्वेलेंस उनकी हम ज़्यादा मात्रा में करेंगे। ये चाहे पैकेज्ड फूड्स हैं या फिर जैसे समोसा वगैरह, तले वाला, दोनों तरह के।